रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण जब से दोबारा दूरदर्शन पर शुरू हुआ है, इस सीरियल के सभी किरदार चर्चा में आ गए हैं। वहीं ऐसे में इस शो के कई एक्टर्स अपने पोते पोतियों के साथ रामायण देखने का सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। इनमें से एक है मुकेश रावल, जिन्होंने रामायण में विभीषण का अमर किरदार निभाया था। उनकी मौत काफ़ी दर्दनाक तरीके से साल 2016 में हुई थी। मुकेश की मौत मुंबई के कांदिवली के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जी हां, उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। कहा जाता है कि वे अपने बेटे की अकस्मात मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सिर्फ 66 वर्ष की उम्र में खुदकुशी कर ली। वैसे उनकी खुदकुशी का उनके रिश्तेदार हमेशा से खंडन करते रहे हैं। रामायण में मेघनाथ का किरदार निभाने वाले विजय अरोड़ा को भी भुलाया नहीं जा सकता। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक समय ऐसा था जब विजय अरोड़ा के नाम का डंका बजता था। लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से विजय की तुलना उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना से होती थी। दोनों ने अनुराग, रोटी, निशान, सौतन जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। एक इंटरव्यू में जब राजेश खन्ना से पूछा गया कि इंडस्ट्री में कौन उनकी जगह ले सकता है, तो उनका जवाब था कि विजय अरोड़ा ही मेरी जगह ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे विजय के किरदारों की लंबाई घटने लगी और फिर उनको काम मिलना बंद हो गया। उनको लोगों ने दोबारा जानना शुरू किया 1973 में आई मशहूर फिल्म यादों की बारात से। इस फिल्म में धर्मेंद्र लीड रोल में थे। फिल्म के सबसे हिट और ऑल टाइम क्लासिक में गिने जाने वाले गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को गाने में विजय जीनत अमान के साथ नजर आए। अगर वो रामायण में काम नहीं भी करते तब भी उन्हें भूल जाना आसान नहीं था। खैर, यादों की बारात वही फिल्म थी जिसे आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने निर्देशित किया था और इस फिल्म में आमिर खान बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली बार नजर आए थे। ये उनकी पहली फिल्म ही थी। 27 दिसंबर 1944 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे विजय अरोड़ा 2 फरवरी 2007 को 62 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। उन्हें पेट का कैंसर था। रामानंद सागर की रामायण में भरत का रोल निभाने वाले एक्टर संजय जोग को आज भी याद किया जाता है। राम लक्ष्मण के मुकाबले चाहे भरत के कैरेक्टर को कम स्क्रीन स्पेस मिला हो, लेकिन कम सीन्स में भी संजय जोग ने अपने किरदार को उम्दा अंदाज में निभाया। आइए अब जानते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ खास बात। संजय जोग ने 1989 में हिंदी सिनेमा का रुख किया। उनकी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म अपना घर थी। इसके बाद उन्होंने जिगर वाला, हम शकल, नसीब वाला, बेटा हो तो ऐसा में काम किया। 1994 में रिलीज हुई फिल्म बेटा हो तो ऐसा उनकी आखिरी मूवी थी। संजय ने रामानंद सागर की रामायण से टीवी डेब्यू किया था। भरत का किरदार निभाने के बाद वे घर घर में पॉपुलर हो गए थे। ये भी कहा जाता है कि संजय को लक्ष्मण का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उनके पास डेट्स ना होने की वजह से वो इस रोल से इनकार कर बैठे और बाद में उन्हें भरत का रोल मिला। संजय जोग के फैंस को तब झटका लगा जब अचानक उनके निधन की खबर आई। 27 नवंबर 1995 को लीवर फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया। जिस वक्त संजय जोग ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब वे महज 40 साल के ही थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि मशहूर टीवी धारावाहिक रामायण के चर्चित और मशहूर कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हम एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। धन्यवाद। जय श्री राम।